नमस्ते सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बच्चों का फेवरेट बनाना जैम से, जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक ग्लास के करीब दूध। तो ये देखिए, हमने एक ग्लास के करीब दूध लिया है, दूध हमारा ठंडा है। और यहाँ पे लेंगे दो पका हुआ केला को लें, और यहाँ पे हम लेंगे ये चेरी जैम जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं चार जैम बिस्किट्स, आप तीन या चार बिस्किट्स को लें। और यहाँ पे हम लेंगे दो चम्मच के करीब हनी, तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच के करीब हनी को लिया है। आप हनी या चीनी को ले सकते हैं, या आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार लें और इसमें हम डाल देंगे ये केला। तो यहाँ पर हमने दो पका हुआ केला को लिया है, और इस केला को इस तरह चॉप करके डाल दें। तो केला को इस तरह चॉप करके डाल दें। ये जो जैम शेक है टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें हमने देखिए बनाना को डाला है, और बनाना बहुत ही हेल्दी होता है। और इसमें डाल देंगे ये जैम, तो चेरी जैम दो चम्मच के करीब ये डाल दें। और इसके साथ डाल देंगे यहाँ पे बिस्किट्स, तो यहाँ पे मैंने ये तीन बिस्किट्स को डाला है। अगर आपके पास चेरी जैम ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह ये बिस्किट्स को डालेंगे तो भी आपका जो जैम शेक है बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे डाल देंगे हनी, तो एक चम्मच के करीब हनी को डाल दें। और इसमें हम डाल देंगे दूध, तो यहाँ पे एक गिलास के करीब हमने ये दूध को डाला है। दूध यहाँ पे हल्का सा ठंडा है। और इसके साथ डाल देंगे कुछ आइस क्यूब को डाल दें। आइस क्यूब ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा ठंडा नहीं चाहते तो आइस क्यूब को ना डालें। और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है इसे हमने। और अब हम क्या करेंगे कि इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे हमने ये देखिए दो ग्लास को लिया है, और दो ग्लास को हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो इसे हल्का सा इस तरह से डेकोरेट कर दें। वैसे जो हमारा बनाना जैम शेक है बहुत ही टेस्टी बना है, लेकिन ग्लास को थोड़ा सा डेकोरेट करके पीने से बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखिए थोड़ा सा जैम से इस तरह से डेकोरेट कर दिया है इसे। और क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे ये शेक, जो हमने शेक को बनाया था उसे डाल दें। ये जो चेरी जैम है इसे मैंने घर में बनाया है, यानी होममेड चेरी जैम है। और ये देखिए दोनों ग्लास में मैंने शेक को डाल दिया है। बहुत ही डिलीशियस हमारा जो बनाना चेरी जैम बना है, और ऊपर से हम थोड़ा सा इसे जैम से इस तरह डेकोरेट कर देंगे। तो जैसे आप चाहें वैसे डेकोरेट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस हमारा बनाना जैम शेक बनके रेडी है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। और अगर आप चाहते हैं और इसे डिलीशियस बनाना, तो क्या करें, ये जो जैम बिस्किट्स है इसे तोड़ के इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ऐसे नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल ही पी रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा।